जानेंगे कक्षा 8वीं अधिभाषिक परीक्षा विषय गणित के प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 5 रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थान में सही शब्द को लिखना है। इस तरह से पांचों रिक्त स्थान एक एक नंबर कुल 5 अंक का बनता है। दूसरा है, इनमें से कौन से कथन सही नहीं उन्हें सुधार कर लिखिए। यहाँ पर 5 प्रश्न जो दिया है, इन 5 में जो कथन सही उसे सही का टिक लगाना है, जो गलत है उसे सही करके सुधार कर लिखना है। ये भी 5 एक एक नंबर का कुल 5 अंक का प्रश्न है। ये प्रश्न तीसरा, प्रश्न चौथा, प्रश्न पांचवा, प्रश्न छठवा और ये प्रश्न 7वा। इन प्रश्नों को अपने घर पे अच्छी तरह से बना बना कर देख कर अच्छा से तैयारी करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों को पूछे जाने वाला है। प्रश्न 8वा, प्रश्न 9वा, प्रश्न 10वा, ये प्रश्न 11वा है, ये प्रश्न 12 है, फिर प्रश्न 13, ये प्रश्न 14, फिर है प्रश्न 15, प्रश्न 16, प्रश्न 17, प्रश्न 18, प्रश्न 19। इस तरह से इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिए और अपने घर में इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है, उसके बाद एग्जाम दिलाने जाना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही।